अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन। ये गरीबों के लिए कपड़े लेकर आई हूँ, ये सिला हुआ सूट है, वो बगैर सिला है, ये पैक हो रहा है, देखो मियाँ जी पैक कर रहे हैं। अब जो गरीब हैं उनको दूंगी, उनका भी तो हक है, हम आप भी तो पहनते हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये गरीबों के लिए सूट लेकर आए, उनको भी दिखाऊंगी, जहाँ भी दूंगी जिस गरीब को भी दूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। कपड़े भी ऐसे देने चाहिए जो इंसान खुद पहनता है, वो दूसरों को भी ऐसे देने चाहिए, ऐसे ख्याल रखना चाहिए दूसरों को भी। सिले हुए कपड़े हैं, और भी कपड़े हैं, लेडीज भी हैं, ये देखें लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, ये सारे बांटने हैं। कुछ आज दिखाएंगे, कुछ अगली वीडियो में दिखा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें हम सूट बांट रहे हैं, गरीबों को तकसीम कर रहे हैं, इनका भी हक है, क्योंकि कुरान शरीफ में मस्कीन और फकरा का भी हक होता है। और अब हम जब देंगे आपको, आपके साथ शेयर करेंगे जिसको देंगे। और ये काफ़ी कपड़े पड़े हैं, ये पैक कर जैसे जैसे पैक हुए हम देते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मजबूरी है आपको, आप ऐसे बैठी हैं? मेरा कमाने वाला कोई नहीं, किराए पे मकान है और बिल, और बच्ची पढ़ती है, 400 रुपया ओदी फीस है, बाकी और इन्नी मजबूर है कि मैं हले तक ओदी वर्दी तक नहीं खरीद सकी। बावलपुर बाईपास। तो मेरा काम नहीं करता? नहीं। क्या कोई भी? बीमार है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे और आपकी अल्लाह ताला मजबूरी खत्म करे। अल्लाह ताला, ये बेटी है आपकी? जी बेटी है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी। यही बेटी है बस? तो आप कितने बजे तक यहाँ बैठे? मगरिब तक। मगरिब तक? तो डर नहीं लगता आपको? नहीं। वो हमारे मोहल्ले वाला इधर काम करता है, लड़का, वो हमें ले जाता है। अच्छा, शाम के टाइम? शाम के टाइम वो आपको ले जाता है। जी मैं आपकी ना थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। जी लेडीज सूट है ये, आप ये लेडीज सूट है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बना लेना, ठीक है, जी। आमीन आमीन। हाँ, आप हमारे लिए दुआ, हमारे भी उनके पैरों के सदके, हमारे भी मुश्किल आसान करे। लेने आता वो कितना बड़ा है? बच्चा नहीं है, आदमी है, शादीशुदा है, बच्चों वाला है। हाँ। वो इधर कैंडा घर में है ना, वो कोठी का उसने ठेका ले रखा है। अच्छा। और वो काम करता है, वो हमारे मोहल्ले का है, तो वो कह फिर किराया बच जाता है ना, फिर उसके साथ चली जाती है शाम टाइम। आपकी परेशानी खत्म करे अल्लाह, आपको मियाँ को रोजी रिजक दे अल्लाह, आपकी परेशानी दूर करे। ठीक है जी, आप हमारे लिए दुआ करें इंशाल्लाह। मेरा जवान बेटा ट्रेन के साथ टकरा गया है, मेरा घर बार अपना नहीं, बच्चे यतीम है मेरे, घर बार नहीं है अपना, मियाँ नहीं है, मियाँ नहीं, छोड़ गया है। और बच्चे? बच्चे हैं, दो बेटी हैं, तीन बेटे हैं, छोटे हैं। तो कमाते नहीं है? नहीं, कोई कमाने वाला कोई सिवाय मेरे यहाँ पे, बस किराया मिल जाती है तो पूरा हो जाता है, बस शुक्र है दाल रोटी जो चल जाते हैं, घर तो नहीं ले सकता ना बंदा। अच्छा, फिर ये अल्लाह आपकी मजबूरी दूर करे। आमीन, बस वो कहता है आमीन। जवान बेटा कमाना, जवान बेटा ट्रेन के साथ टकरा गया है मेरा, जवान बेटा शहीद हुआ है, दावत इस्लामी में था, आपदे कुरान था, तो कमाने वाला वही था, किसी को अल्लाह मुताजी न दे मेरे वाले। कितनी मजबूरी है इंसान, अल्लाह पाक किसी को दुख न दे, मैं कहती हूँ अल्लाह ऐसा दुख किसी को न दे, किसी माँ का ऐसे हाथ न दे, मांगने वाले नहीं थे बेटी, मजबूरी मजबूरी करती है सारा काम, किसी को दुख न दे अल्लाह, किसी को दुख न दे। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपकी मदद करना चाह रही हूँ, मेहरबानी आपकी, ये अल्लाह पाक तेरी नेकी कबूल करे, अल्लाह पाक आपकी परेशान, कोई मदद कर दो अल्लाह पाक, जो सके ऐसा कुछ देना चाहिए, जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी इनकी मदद करें, आमीन, वो भी इनको आमीन। अल्लाह पाक देने से सवाब है, अपना तो हर कोई करता है, हाँ जी। जब जाने कोई दूसरों का करे, अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए नहीं कोई भी जीता। अल्लाह ताला आपको खत्म करे अल्लाह ताला।
दही बल्ले बने हुए, आप एक बार खाओगे तो आप बार बार आओ। आदम दही बल्ले वाली दुकान पे आ जाओ आप, ठीक है? आप एक बार खाओगे आपको पता चलेगा। अल्लाह हाफिज़। हम चाहते हैं आप इजाज़त, हमारा ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद।